गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माई नेम इज दीपाली एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 80 डेटेड ऑन 4th फेबररी 2021। इन दिस वर्कशीट वी विल डू योर इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज बी केयरफुल एंड वॉच माई वीडियो completely and don't forget to subscribe my channel। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम आपकी इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस में स्टोरी राइटिंग और डिस्क्रिप्शन को आज इस वर्कशीट के थ्रू लेकर आए हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को, आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बेटर करेगा। देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट सच फायर एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। थिंक ऑफ कैरेक्टर सेटिंग हैज़ बीन गिवन इन द पिक्चर एंड प्लान योर प्लॉट टू राइट ए स्टोरी अबाउट। देखो बच्चों, आपको 100 to 120 words में एक स्टोरी लिखनी है कि आपने जो है फायर एक्सीडेंट्स को होते हुए देखा है। तो इसके लिए मैंने स्टोरी लिखी है, काफ़ी ईजी लिखी है, ताकि आपको लिखने में और समझने में। दरअसलम एरिया, सैटरडे की रात जब मैं अपने प्रोजेक्ट को का काम करने में बहुत बिजी था, तो अचानक मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी जो कि मेरे घर के पास से स्लम एरिया से आ रही थी। आई कुड नॉट रिसिस्ट द टेम्पटेशन टू सी एंड फाउंड ए ह्यूज गैदरिंग आउटसाइड। और मैंने बाहर देखा कि बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। द फायर वॉज गल्पिंग एवरीथिंग इट कुड एंड हाई फ्लेम्स एंड स्मोक्स हैड कवर्ड द होल स्काई। बताया गया है कि ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी और जो स्मोक था वो पूरे आसमान को उसने ढक लिया था धुएं से। पीपल वर पोरिंग बकेट्स ऑफ वाटर ऑन द फ्लेम्स एंड फायर। लोग जो हैं पानी से भरी हुई बाल्टियों को फेंक रहे थे ताकि जो लपटें हैं आग की उनको शांत किया जा सके। सम ऑफ द पीपल वर ट्रैप्ड इन एंड वर क्राइंग फॉर हेल्प। कुछ लोग अंदर फंस गए थे और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। फ्यू ऑफ देम वर एबल टू एस्केप बट देयर बिलोंगिंग्स वर बर्न्ड। कुछ लोग उसमें से बच गए थे लेकिन जो उनका सामान था वो जल गया था। टू चिल्ड्रंस कुड नॉट टॉलरेट द सफोकेटिंग स्मोक्स एंड वर सकम्बिट टू इट। दो बच्चे उस धुएं को सहन नहीं कर पाए थे। टू वुमेन एंड फोर चिल्ड्रंस हैड ऑलरेडी बिकम्स अनकॉन्शियस एंड सफर्ड सीवियर बर्न्स। दे वर रश्ड टू द हॉस्पिटल्स एंड फायर कुड बी कंट्रोल्ड ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ द फायर ब्रिगेड। मतलब बताया गया है कि दो औरतें थीं, चार बच्चे थे जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे और सफ़र कर रहे थे। मतलब बहुत ही उन्होंने इस आग को, इस जो बहुत बुरी जो आग थी उससे सफ़र हो गए थे। उससे उनको उसने उनको मतलब क्या कर दिया था, पीड़ित हो गए थे उससे। और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जल्दी से, और जब तक आग को कंट्रोल नहीं किया गया, जब तक कि फायर ब्रिगेड को नहीं बुला दिया गया। नथिंग कुड बी सेव्ड, कुछ भी नहीं बच पाया था। इट वुड फाउंड लेटर डैट द फायर ब्रोक आउट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द नियर बाई शॉप्स। बाद में ये पाया गया कि जो ये आग लगी थी ये शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। जो पास की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया था उसके कारण ये आग लगी थी। तो बच्चों, मैंने देखो कितनी ईजी लैंग्वेज में आप लोगों की फायर एक्सीडेंट के ऊपर स्टोरी लिख डाली है। चलिए दूसरा टास्क देख लेते हैं हम। राइटिंग प्रैक्टिस है, डिस्क्रिप्शन 100 to 120 words में आपको करना है। यू वेंट टू द मार्केट एंड मेट अ डिस्टेंट रिलेटिव आंट देयर। आप बाज़ार गए और आप वहाँ पर अपनी आंट से मिले। बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा था। यू विज्ड हर एंड लेफ्ट, आपने उसको शुभकामनाएँ दी। और उस फिर जब आप अपने घर वापस लौटे और आपने अपनी मदर को बताना चाहा उनका डिस्क्रिप्शन, तो आपको नाम नहीं, उनका याद नहीं आ रहा था। डिस्क्राइब्स बोथ हर फिजिकल फीचर्स मैनरिज्म एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। तो आपको किस तरह से उनकी फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा, उनके मैनर के द्वारा, बात करने के तरीके से अपनी मदर को बताते हैं, तो आपको उनका डिस्क्रिप्शन देना है अपनी आंट का जो आपको मार्केट में मिली थी। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना है। और बच्चों, आपकी ये वर्कशीट आज की बहुत ही ईजी है। आई वेंट टू मार्केट, आई मेट माई आंट, वी टॉक्ड सो मच।
जब मैं मार्केट गया था तो मैं अपनी आंटी से मिला था, हमने बहुत ज़्यादा बातें की, वी टुक सम स्नैक्स टू ईट, हमने कुछ स्नैक्स भी लिया खाने के लिए, देन आई सैड गुड बाय टू माई आंट, फिर मैंने अपनी आंट को गुड बाय बोला, बट आई फॉरगॉटन टू आस्क हर नेम, लेकिन मैं उनसे उनका नाम पूछना भूल गया, देन आई केम बैक टू होम एंड टोल्ड माई मदर, फिर मैं घर वापस आया और मैंने अपनी मदर को बताया, देन आई मैट आंट इन द मार्केट की दैट आई मैट कि मैं एक अपनी आंटी से मिला था बाजार में, बट आई एम नॉट एबल टू फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन मुझे उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छे से याद था एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग, उनका बात करने का तरीका भी याद था। मे बी यू हेल्प मी टू रिकॉल हर नेम, हो सकता है ममा आप इन सब डिस्क्रिप्शन से मेरी हेल्प करो उनका नाम याद दिलाने में। सी वो स्टॉल, वह लंबी थी, लॉन्ग हेयर थे, सी हेड फेयर कॉम्प्लेक्शन था, सी स्पोक्स वेरी पोलाइटली, बोलती थी बहुत ही मधुर भाषा में बोलती थी, चश्मा लगाती थी, सी हेड पाउटिंग लिप्स थे उनके, सी हेड ग्लोजी स्किन थी एंड हर आई कलर इज ब्राउन। तो इस तरह से बच्चों मैंने बहुत ही ईजी डिस्क्रिप्शन उन लेडी का दिया है, आंट का। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन को और बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इजी सेंटेंस आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो ये वर्कशीट आ रही है ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आ रही है, तो आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ और सेंटेंस इसमें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी भी करनी चाहिए ताकि आपकी पेपर की तैयारी साथ साथ चलती रहे। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।